मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, पाबंदी के खात्मे के बाद दुबई और कतर ने अपनी परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अमारात और इत्तेहाद एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए भी परवाजें बहाल कर दी हैं। दुनिया की बड़ी तरीन एयरलाइंस में से एक एमिरेट एयरलाइंस ने कहा है कि वो 15 जून से एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका में 29 मकामात के लिए ट्रांजिट फ्लाइट चलाएंगे। गैर मुल्की खबर सदारे के मुताबिक एमिरेट्स ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी 8 जून से फ्लाइट चलाने का ऐलान किया है। अबू धाबी की इत्तेहाद एयरलाइंस ने अलबत्ता 10 जून से यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के 20 शहरों के लिए मुसाफिर परवाजें शुरू करने का ऐलान किया है। मुत्तहद अरब अमारात की जानब से गुज़श्ता रोज परवाजों पर आयात पाबंदियां 2 माह से ज्यादा अरसे के बाद खत्म कर दी गई थी, जहां मार्च में अक्सर खलीजी ममालिक में कोरोना वायरस के सबब परवाजें बंद कर दी गई थी। उसके बाद से मकामी सतह पर पाबंदियों के सबब महज चंद मखसूस नौयत की फ्लाइट को चलाने की इजाज़त दी गई थी। मुत्तहद अरब अमारात में रिहायश के इजाजत नामे की हामिल अफराद के अलावा गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद है और मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों को भी वतन वापस लौटने से कबल अमाराती हुकूमत से इजाजत लेना होगी। दूसरी जानब कतर एयरवेज ने भी पाकिस्तान के मुतादित शहरों समेत बैंकॉक और बार्सिलोना समेत 40 से ज्यादा मकामात के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया है। एयरलाइंस ने जल्द ही बर्लिन और न्यूयॉर्क के लिए भी परवाजें बहाल करने का ऐलान किया है।